आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। एक्टिव न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को सुरेश पठानिया का नमस्कार। चिंपू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट बसोली का आज बसोली में फाइनल खेला गया, जिसमें कठुआ 11 ने बनी 11 को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इस अवसर पर जंगलात मंत्री चौधरी लाल सिंह बहादुर मुख्य मेहमान शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीम को स्मृति चिन्ह 50,000 रुपए का नगद इनाम व उप विजेता टीम को स्मृति चिन्ह 30,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर ADC संजय गुप्ता भी उनके साथ थे। उन्होंने टूर्नामेंट के आयोजकों के प्रयास की सराहना की। श्री लाल सिंह ने कहा कि ऐसे योजनों से युवकों में नशों की प्रवृत्ति कम होती है व आयोजक बधाई के पात्र हैं कि वे ऐसे योजन करवाकर युवा पीढ़ी का भरा कर रहे हैं। विषय संबंधी हमारे सहयोगी विशाल मेहरा की एक रिपोर्ट। चलिए, और आज ये खेल आए कठुआ की तरफ से, माफी चाहता हूँ बनी की तरफ से, शानदार शॉट इस दफा और जो और इस दफा फिर गेंद को नहीं समझ पाए, बीट हुए, बैकफुट पे जाके कट खेलना चाहते थे। अगला गेंद, फिर से ये गेंद, फिर से डिसी, फिर से बीट किया उनको, शानदार गेंदबाजी। आग के लिए हमें वो बताया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ आपका। फिर से पक्का हुआ गेंद, आपके हाथों से एक रन जरूर। दोनों ही टीमें पूरे धमकम के साथ ये मैच फाइनल तक चलता हुआ यहाँ पर पक्का हुआ गेंद। संजय गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आज के फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि चौधरी लाल सिंह जी के साथ शामिल हुए थे, इसे बातचीत करेंगे कि कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट और क्या संदेश युवाओं को देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये चेयरमैन जो गौरव जम्वाल जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये सारी टूर्नामेंट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो आज उसका आज ख़त्म हुई। और जिसमें ये संदेश है कि ये युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है, जो ड्रग्स और जो अदर नशे की लत में जो पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक मैसेज दिया है कि वो खेल में जो अपनी रुचि बढ़ाएं ताकि वो अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें और देश को मजबूत करें। देखो, अगर स्वस्थ युवा होगा तो स्वस्थ भारत बनेगा। तो ये गौरव जम्वाल जी को बहुत बहुत मुबारक है, जो ये स्वच्छ भारत मिशन के भी चेयरमैन हैं। ये हर महीने जो है शीतल नगर हो चाहे बसोली हो, विभिन्न इलाकों में ये अपना सफाई अभियान भी जारी रखते हैं
और युवा पीढ़ी को भी ये साथ रखते हैं, खेलों में रुचि करवाते हैं, विभिन्न टूर्नामेंट्स में उनकी पार्टिसिपेशन करवाते हैं। कोई संदेश? मेरे युवा जो सोली के हैं वैसे ही बहुत अच्छे युवा हैं मेरे, और ये हमारे देश और मुल्क के लिए हमेशा काम आए हैं, और आगे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। गेम तो बंदे को स्ट्रांग करती, मजबूत करती है और उसको उसको तंदुरुस्त करती है, और तंदुरुस्त युवा देश तंदुरुस्त। वेरी गुड।